सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कबड्डी एनकाउंटर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष। तो एशियन गेम्स 2023 का सीजन 19 जो कि शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, 23 सितंबर 2023 से स्टार्ट होने जा रहा है चाइना में। तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले एशियन गेम्स 2023 में सभी कबड्डी मैचों के डेट और तारीख के बारे में, जबकि कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली हैं, उन सभी टीमों को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, जबकि सभी टीमों के क्या स्क्वाड रहने वाले हैं। वहीं दोस्तों, इस एशियन गेम्स के मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में सभी कबड्डी मैचों को आप सब किस प्रकार लाइव देख सकते हैं, जो कि बिना किसी रुकावट के टीवी चैनल्स या फिर मोबाइल ऐप पर। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हर एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप काफी विस्तार से बताने और दिखाने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। तो आप सभी दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। वही दोस्तों, कबड्डी और पीकेएल की दुनिया की हर एक ऑफिशियल न्यूज एंड अपडेट्स, जबकि हर एक कबड्डी लीग्स को लाइव देखने के लिए भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आप सभी को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी सबसे ऊपर ही पिन कर दिया गया है। तो दोस्तों जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो अब चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एशियन गेम्स 2023 में कबड्डी मैचों के डेट और तारीख के बारे में। मतलब है दोस्तों की एशियन गेम्स 2023 के सीजन 19 में कबड्डी मैचों की स्टार्टिंग 2 अक्टूबर 2023 को होने वाला है, जो कि 7 अक्टूबर 2023 तक खेला जाएगा जेंजियांग यूनिवर्सिटी चाइना के आंगजू शहर में। वहीं दोस्तों आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि एशियन गेम्स के मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में पहली बार कबड्डी 1990 में खेला गया था चाइना के बीजिंग शहर में। और दोस्तों इस एशियन गेम्स के विश्व स्तरीय इवेंट में टोटल 7 बार इंडियन मेंस कबड्डी टीम स्वर्ण पदक यानी की गोल्ड मेडल जीत चुकी है। तो वहीं अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस एशियन गेम्स 2023 के मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में टोटल कितनी मेंस कबड्डी टीम पार्टिसिपेट कर रही है, हिस्सा ले रही है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि एशियन गेम्स के 19वें संस्करण में टोटल 11 मेंस कबड्डी टीम पार्टिसिपेट कर रही है, और उन सभी 11 मेंस कबड्डी टीमों को टोटल 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जो कि पूल ए और पूल बी में। जहां ग्रुप बी में दोस्तों कुल 5 टीमों को रखा गया, इंडिया, कोरिया, बांग्लादेश, थाईलैंड और श्रीलंका की टीम होने वाली है। वही ग्रुप बी में दोस्तों टोटल 6 टीमों को रखा गया, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया और नेपाल की टीम होने वाली है। तो वही अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस एशियन गेम्स 2023 के इस मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में कबड्डी मैचों को आप सब किस प्रकार लाइव देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि एशियन गेम्स 2023 के 19वें संस्करण की ब्रॉडकास्टिंग राइट जो कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। जी हां दोस्तों, इस एशियन गेम्स 2023 की ब्रॉडकास्टिंग राइट लगभग $15 मिलियन में खरीद लिया है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने। तो इस बार दोस्तों आप सभी एशियन गेम्स 2023 में सभी कबड्डी मैचों को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क टीवी चैनल पर लाइव देख सकते हैं। वही बात करें दोस्तों डिजिटल यानी कि मोबाइल लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, तो आप सभी दोस्तों सोनी लिव मोबाइल ऐप पर सब्सक्रिप्शन के साथ लाइव देख सकते हैं सभी कबड्डी मैचों को एशियन गेम्स 2023 के 19वें संस्करण में। वहीं आप सभी दोस्तों फ्री में कहां पर लाइव देख सकते हैं सभी कबड्डी मैचों को एशियन गेम्स 2023 में, तो इसके लिए दोस्तों आप सभी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल कबड्डी एनकाउंटर को ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर दोस्तों लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी हर एक डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है। वहीं बात करें दोस्तों टीम स्क्वाड की, आखिरकार किन किन टीमों का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है जो की एशियन गेम्स 2023 के लिए। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान कबड्डी टीम के पूरे कंफर्म और फाइनल ऑफिशियल आधिकारिक स्क्वाड के बारे में, जो कि एशियन गेम्स 2023 के 19वें संस्करण के लिए। जहां नंबर 1 पे होने वाले ईरान कबड्डी टीम के कप्तान और बेहतरीन डिफेंडर फाजल अतराचली। वहीं नंबर 2 पे होने वाले मोहम्मद रिजा सादलू, ये भी काफी शानदार डिफेंडर माने जाते हैं। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे होने वाले मोहम्मद इस्माइल नबी बख्शी, ये भी काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस डिफेंडर है। जबकि नंबर 4 पे होने वाले आमिर हुसैन बस्तामी, वहीं नंबर 5 पे रिजा मीर बागेरी, नंबर 6 पे होने वाले अली रिजा मीर जेजिया, नंबर 7 पे होने वाले आमिर जफर दनेश, वही नंबर 8 पे एमजी काजम नसेरी, नंबर 9 पे होने वाले मोइन सफागी, नंबर 10 पे एमडी रिजा, नंबर 11 पे होने वाले कबूत रुहांगी, नंबर 12 पे मिलाद जाबरी और आखिरी में 13वें खिलाड़ी होने वाले हामिद नादेर। तो ये रहा दोस्तों ईरान कबड्डी टीम के 13 खिलाड़ियों का पूरा कंफर्म और फाइनल ऑफिशियल स्क्वाड, जो की ईरान कबड्डी फेडरेशन ने ऑफिशियली अनाउंस किया है। वही अब बात करें दोस्तों पाकिस्तान कबड्डी टीम के पूरी कंफर्म और फाइनल ऑफिशियल आधिकारिक स्क्वाड के बारे में, जो की एशियन गेम्स 2023 के लिए। जहां पाकिस्तान कबड्डी टीम स्क्वाड में नंबर 1 पे होने वाले इमरान हाजी कप्तान, वहीं नंबर 2 पे मुदासिर शाह वाइस कैप्टन, नंबर 3 पे होने वाले तहसीन खान, नंबर 4 पे साजाद लड्डू, नंबर 5 पे वकार डोगा, नंबर 6 पे होने वाले एमडी सुफियान, नंबर 7 पे मुजामिल, नंबर 8 पे होने वाले अकलक गुज्जर, वहीं नंबर 9 पे आदिल हुसैन, नंबर 10 पे उमेर खान, नंबर 11 पे होने वाले अफाक खान, वहीं नंबर 12 पे उस्मान अहमद। तो ये रहा दोस्तों पाकिस्तान कबड्डी टीम के 12 खिलाड़ियों का पूरा कंफर्म और फाइनल टीम स्क्वाड, जो
की एशियन गेम्स 2023 के सीजन 19 के लिए। वही बात करें दोस्तों अगली टीम जो कि टीम इंडिया के ऑफिशियल आधिकारिक स्क्वाड के बारे में, तो भारतीय कबड्डी टीम का ऑफिशियल स्क्वाड कुछ इस तरह से रहने वाला है जो कि एशियन गेम्स 2023 के 19वें संस्करण के लिए। तो टीम इंडिया के स्क्वाड में नंबर एक पे होने वाले नीतीश कुमार, वही नंबर दो पे परवेश बैंसवाल, नंबर तीन पे सचिन तंवर, नंबर चार पे होने वाले सुरजीत सिंह, काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस डिफेंडर है, नंबर पांच पे विशाल भारद्वाज, नंबर छह पे होने वाले शानदार युवा ऑलराउंडर, वहीं नंबर सात पे नवीन एक्सप्रेस यानी कि नवीन कुमार, नंबर आठ पे होने वाले हाई फ्लायर पवन सहरावत जो कि काफी शानदार बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, नंबर दस पे होने वाले सुनील कुमार जबरदस्त डिफेंडर, वहीं नंबर ग्यारह पे होने वाले नितिन रावल और नंबर बारह पे आकाश सिंधे जिनका पहली बार डेब्यू होने जा रहा है एशियन गेम्स 2023 में टीम इंडिया स्क्वाड में। तो ये रहा दोस्तों भारतीय कबड्डी टीम के 12 सदस्यीय खिलाड़ियों का पूरा कंफर्म और फाइनल ऑफिशियल आधिकारिक स्क्वाड। इसके अलावा दोस्तों अगली टीम जो कि चाइनीज टाइपे का स्क्वाड कुछ इस तरह से आप सब बिग स्क्रीन पे देख सकते हैं जो कि एशियन गेम्स 2023 के 19वें संस्करण के लिए। वहीं दोस्तों अगली टीम जो कि मलेशिया कबड्डी टीम का ऑफिशियल आधिकारिक स्क्वाड भी आप सब बिग स्क्रीन पे ही देख सकते हैं। जबकि बात करें दोस्तों अगली टीम जो कि थाईलैंड कबड्डी टीम का भी ऑफिशियल स्क्वाड भी आप सब बिग स्क्रीन पे ही देख सकते हैं काफी विस्तार से। तो फिलहाल में दोस्तों मात्र 6 कबड्डी टीमों का ही ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर टीम स्क्वाड अनाउंस किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बाकी बची टीमों का भी जैसे ही ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर टीम स्क्वाड अनाउंस होता है तो हमारे इसी चैनल कबड्डी एनकाउंटर पे ही सबसे पहले आपको अपडेट प्रोवाइड कर दी जाएगी सभी स्क्वाड का। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो ये रहा दोस्तों कबड्डी मैचों की रिगार्डिंग सभी जानकारी एशियन गेम्स 2023 के 19वें संस्करण के लिए। तो ये वीडियो दोस्तों आप सबको किस प्रकार हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर लीजिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही नए और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।